psycho in my head. And now, WWE presents the Elimination Chamber. तो स्वागत है आप सभी का एलिमिनेशन चेंबर में। आज एलिमिनेशन चेंबर में सैमी जेन वर्सेस रोमन रीन्स का मैच होने वाला है। और ये आते हुए हमारे सैमी जेन, ये बहुत ही अंडररेटेड रह चुके हैं पिछले कई मतलब सालों से, ब्लड लाइन के साथ काम कर चुके हैं, बट इन दोनों के बीच अभी बिट्रेल चालू हो चुका है। तो देखते हैं आज कौन बाजी मारेगा। आज WWE वर्ल्ड हैवीवेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच है और सैमी जेन नहीं चाहेंगे कि वो इसमें मतलब इतने अच्छे मौकों को गंवाए। तो देखते हैं कि आज मैच में क्या होता है। वैसे सैमी जेन तो पूरी तैयारी के साथ में आए हैं इस मैच के लिए और वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी उनके हाथ से छूटे। तो आप हमारे साथ बने रहिए इस मैच के लिए, जब तक सैमी जेन भी बहुत ही एकदम शानदार दिख रहे हैं, पूरा एकदम परफॉर्मेंस लग रहा है कि वो एक्टिव रहेंगे पूरे मैच में। एक्टिव तो रहेंगे क्योंकि पिछले मैच में उन्होंने अनाउंस किया था कि चैंपियनशिप के लिए रोमन रीन्स को ऐसा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया था, पूरा खुलेआम चैलेंज दिया था रोमन रीन्स को। और ये आते हुए हमारे द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, उनके पास यूनिवर्सल चैंपियनशिप करीबन 750 डेज प्लस से है और अभी तक वो स्टिल WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन रहते हैं। बहुत ही खतरनाक दिखते हुए रोमन रीन्स, वो नहीं चाहेंगे कि सैमी जेन को, सैमी जेन ने जैसे उनके पे चेयर शॉट अटैक किया था उसके बाद रोमन रीन्स का पारा उनके ऊपर पहले से गर्म है। अभी उस मैच में तो सैमी जेन को और हालत ख़राब करने वाले हैं क्योंकि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के मतलब नज़र में, मतलब रोमन रीन्स नहीं चाहते कि कोई भी उनके वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप पे नज़र डाले और ये सैमी जेन ने गलती कर दिया। रोमन रीन्स के आते ही सैमी जेन देखो तुरंत ही जो खुशी थी तुरंत ही गायब हो चुकी है। देख सकते हैं आप, देखो कोने में एकदम छुप के हैं। सैमी जेन भी जानते हैं कि रोमन रीन्स से पंगा लेना इतनी बड़ी बात मतलब इतनी आसान बात नहीं है। जहाँ तक मुझे पता था कि ब्लड लाइन में अभी तक सैमी जेन को ऐड नहीं किया गया था क्योंकि वो जो फूलों का हार होता है वो अभी तक सैमी जेन को दिया नहीं गया था। दे दिए थे फूलों का हार, वो पूरा तरह से एक्सेप्ट कर दिए थे, लेकिन सैमी जेन को लगता है कि रोमन रीन्स कुछ तानाशाह की तरह है, इसलिए उन्होंने मतलब बोलते हैं ना बगावत कर दिया रोमन रीन्स को सामने। तो ये देखिए इतने प्रेस्टीजियस टाइटल के लिए, वर्ल्ड हैवीवेट यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए ये मैच है और ये मैच बेल्ट के मतलब ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है सैमी जेन के लिए कि इस टाइटल पे अपना कब्जा कर सके। और ये टाइम अगर उनके हाथ से निकल गया तो फिर निकल गया। और ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हमारा मेन इवेंट है एलिमिनेशन चेंबर में। और ये मैच रेफरी स्टार्ट करते हुए दोनों को आगे बुलाया, रोमन रीन्स देखते ही सैमी जेन को हंस रहे हैं। सैमी जेन देख रहे हैं ना कितना रिलैक्स फील कर रहे हैं, ऐसा दिखाई नहीं रहे कि वो रोमन रीन्स से डर रहे हैं। ए रेफरी के आवाज़ होते ही बेल रिंग हुई और यहाँ पे रोमन रीन्स एक्नॉलेज करने के लिए बोल रहे हैं सैमी जेन को कि वापस आ जाओ हमारे साथ ज्वाइन कर लो। यहाँ पे सैमी जेन की हालत खराब होते हुए, ये क्या झुक गए सैमी जेन, ऐसे हार सकते हार मान सकते हैं क्या? ये सैमी जेन ने रोमन रीन्स के ऊपर अटैक किया बट रोमन रीन्स ने धक्का दिया और पंचेस मारा। रोमन रीन्स यहाँ से डोमिनेट करते हुए यहाँ क्लोज लाइन आते हुए, एक और क्लोज लाइन आते हुए सैमी जेन के स्टार्टिंग से मुसीबत भर रही है और ये सुपर क्लोज लाइन, वाव का इंपैक्टफुल था ये। रोमन रीन्स सैमी जेन को बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते, वो बता देना चाहते कि कौन है हेड ऑफ द टेबल, वो बता देना चाहते सैमी जेन को कि उनसे पंगा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, सैमी जेन को पता होना चाहिए कि उनसे पंगा लेना बहुत ही गलत है। स्टार्टिंग से ही सैमी जेन सोचे कि मौके का फायदा उठाया जाए रोमन रीन्स का डिस्ट्रैक्ट करके, बट रोमन रीन्स ने पंचेस की बौछार की, उसके बाद क्लोज लाइन दो क्लोज लाइन देने के बाद एक सुपर क्लोज लाइन आया उनके लिए। उनका बहुत ज़्यादा ही बैक स्टेज में झगड़ा भी हुआ था इस पिछले मैच में, देखा जाए तो बैक स्टेज में बहुत ज़्यादा झगड़ा हुआ था, ऐसा रिवेंज कुछ होता है वैसे कुछ हुआ था, बहुत ज़्यादा ही हुआ था, मैंने देखा था मैच को। अभी यहाँ पे रोमन रीन्स अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हुए सैमी जेन के ऊपर कॉर्नर में लेके गए। क्यों नहीं निकालेंगे यार, फ्रस्ट्रेशन तो निकालेंगे ही। बहुत ही गुस्से में लग रहे हैं रोमन रीन्स क्योंकि ये उनके फैमिली का मैटर है, फैमिली उनके लाइन मतलब ब्लड लाइन से मतलब गद्दारी की है सैमी जेन ने। रोमन रीन्स पंचेस के बौछार कर रहे कॉर्नर में, मार खा रहे हैं यार सैमी जेन। अरे ये क्या पावर बॉम्ब के लिए उठा लिया सैमी जेन ने, सैमी जेन ने पावर बॉम्ब दी। ओह माय गॉड, पावर बॉम्ब पर द 1 2, रोमन रीन्स ने किक आउट कर दिया। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि सैमी जेन ने ऐसा रोमन रीन्स को उठा लिया था यार, पावर बॉम्ब दी। यस, सैमी जेन भी यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहे, उन्होंने इतना शानदार पावर बॉम्ब दिया पर भी रोमन रीन्स उस पे एकदम पूरा सर्वाइव कर चुके हैं, लेकिन सैमी जेन का फ्रस्ट्रेशन पूरा रोमन रीन्स के ऊपर आते हुए।
ये देखिए रिप्ले में कैसे रोमर इस पूरा पंचे से बौछार कर रहे थे टॉप रोप पे चढ़कर, फिर भी सैमी ज़ेन ने मौके का फायदा उठाया और जैसे उनको मौका मिला एक पावर बॉम्ब देते हुए, देखिए इंपैक्ट कितना खतरनाक लगा पावर बॉम्ब का यार। लेकिन रोमर इसने सर्वाइव कर दिया, टू काउंट से पहले ही किकआउट कर दिया। यहाँ पे सैमी ज़ेन को समझ में नहीं आ रहा क्या कर रहे हैं वो, उनका फ्रस्ट्रेशन उनके चेहरे में साफ दिख रही है। और ये गए और ये रोप के ऊपर रोमर इसका नेक लगाते हुए, बाप रे रेफरी मुझे तो मालूम भी नहीं था कि सैमी ज़ेन ऐसे भी मूव्स देते हैं, इतना गुस्सा उनके अंदर है कि पूछो मत यार। रोमर इसको वो बिट्रेल कर चुके हैं ब्लड लाइन से, लेकिन अभी उनके पास मतलब और कोई चारा ही नहीं कि रोमर इसके सामने और टिक पाए। देखो सैमी ज़ेन भी कह रहे यू नो यू एक्नॉलेज मी, देख रहे ना आप यू एक्नॉलेज मी रोमन इसको। सैमी ज़ेन भी बता देना चाहते हैं रोमर इसको कि वो उनके बिना कुछ नहीं है इसलिए वो बोल रहे, पर यहाँ रोमर इसको कम में नहीं लेना चाहिए, उन्होंने अपना रेन 700 प्लस डेज कर चुके। यहाँ पे सैमी ज़ेन रोमर इसको सुपर प्लेक्स के लिए उठाते हुए, पर रोमर इसको भारी कर उनको उठने वाले आराम से रोमर इसे धक्का दिया और समवन ड्रॉप देते हुए भाई साहब क्या ही चेंज किया उसके मूव को, सैमी ज़ेन के मूव को आराम से रोमर ने, बट सैमी ज़ेन ने किक आउट कर दिया यहाँ पे भी टू पे। सैमी ज़ेन भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले। सैमी ज़ेन और रोमर इस दोनों अपना एफर्ट धीरे धीरे डाल रहे इस मैच में और यहाँ पे रोमर इसका फ्रस्ट्रेशन साफ दिख रहा है चेहरे पे, वो सैमी ज़ेन से पूरा तंग आ चुके पिछले कुछ हफ्तों से। फिर भी देखिए उनका शाही अंदाज पूरा, ये देखिए सैमी ज़ेन उठाने की कोशिश किया पर इतने भारी भरकम को उठा नहीं पाए। रोमर इस 240 पाउंड्स के हैं, यहाँ पे धक्का दिया उनको और उनको उठा के रोमर इस ने सैमी ज़ेन को एक समवन ड्रॉप दिया, एक फैबुलस समवन ड्रॉप, और सैमी ज़ेन ने टू काउंट करने से पहले ही किकआउट कर दिया। यहाँ पे सैमी ज़ेन भी हार नहीं मानना चाहते क्योंकि उनके हाथों में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस टाइम पे। सही बोल रहे, चैंपियनशिप उन्हें अभी तक एक भी चैंपियनशिप नहीं मिला है मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि वो हिस्ट्री में चैंपियनशिप जीत तो चुके हैं, लेकिन ये वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप उनके लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी। यहाँ पे रोमर इस सुपर रन पंच के लिए देखते हुए, सुपर रन पंच अभी अगर सैमी ज़ेन को पड़ गया तो गया, ये सुपर रन पंच को काउंटर किया है सैमी ज़ेन ने और ये बिग बूट आते हुए, बिग बूट 1-2 और एक किक आउट। ये भाई साहब सैमी ज़ेन एकदम सपद रोमर रेंज ने इस सुपर पंच डिलीवर करने गए, लेकिन सैमी ज़ेन को पहले से पता था और उन्होंने एकदम मौके का फायदा उठाया और उस टाइम पे बिग बूट दे दिया, बट रोमर ने किक आउट कर दिया। सैमी ज़ेन और रोमर एक दूसरे को पूरा भाकू भी जानते हैं क्योंकि एक साल से इन दोनों ब्लड लाइन के मेंबर्स है। सैमी ज़ेन रोमर के पास पूरी नजर रखे हुए, चेयर निकाल दे क्या, वो जानते कि कौन सा मुख कब आने वाला है। और यहाँ पे सैमी ज़ेन चेयर से चेयर लेके आए, वो जानते कि उनके हाथों में शायद उतना दम नहीं है इसलिए वो चेयर शॉट्स का ही फायदा उठाना चाहते। ये लीगल मैच है क्योंकि नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच है जिसमें चेयर शॉट लीगल है। और ये रोमर इसके ऊपर चेयर का बौछार करते हुए, चेयर के बौछार करके फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं सैमी ज़ेन। सैमी ज़ेन इतने खतरनाक हो सकते हैं, सैमी ज़ेन अपनी लाइफ की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इतनी आसानी से नहीं मिस करना चाहते हैं इसलिए अपना पूरा 100% देते हुए। और सैमी ज़ेन यहाँ पे रोमर इसको टारगेट में लेते हुए, आपको बता दूं इनका फर्स्ट मैच है हलुआ किक के लिए, अरे हलुआ के सुपर रन पंच आया, रोमर ने काउंटर किया हलुआ किक को सुपर रन पंच के, अरे 1-2 सैमी ज़ेन किक आउट करते हुए। सैमी ज़ेन ने हलुआ किक देते देने गए लेकिन रोमर ने तो पूरा शानदार काउंटर किया सुपर रन पंच के जरिए और रोमर का फ्रस्ट्रेशन साफ दिखते हुए कि उन्होंने सुपर रन पंच को सैमी ज़ेन ने सर्वाइव कर लिया, वो भी सोच रहे कि क्या करें। लेकिन रोमर तभी मतलब सैमी ज़ेन को इतनी आसानी से भी हराने नहीं चाहते थे, वो सैमी ज़ेन को वापस से देखते हुए, इनका ये फर्स्ट मैच है। फिर सैमी ज़ेन ने देखिए कैसे मौके का फायदा उठाया और चेयर शॉट दिया, इतना गुस्सा बाप रे। यहाँ पे रोमर इस देखिए सुपर रन पंच कितना हलुआ को काउंटर में सुपर रन पंच में बदल लिया और यहाँ के कवर करने गया। रोमर इस सोचा था कि यहाँ पे तो विक्ट्री उनके हाथ में ही थी, बट सैमी ज़ेन पता नहीं किधर से उनके अंदर पावर आई और उन्होंने किक आउट कर दिया। यहाँ पे रोमर इस अपने फाइनल अपने फिनिशर स्पीयर के लिए टारगेट में लेते हुए सैमी ज़ेन को और स्पीयर का ऐलान करते हुए रोमर इस सैमी ज़ेन के लिए खतरा बढ़ते हुए और सैमी ज़ेन को स्पीयर देते हुए, लेकिन सैमी ज़ेन ने काउंटर किया और ए हलुआ किक आते हुए सैमी ज़ेन की तरफ से। अब लगता है मैच एकदम बदल गया, मौका एकदम पूरा 1-2-3 रोमर इज ने किक आउट करते हुए सैमी ज़ेन की हालत यहाँ पे खराब की, उन्होंने अपना फिनिशर तक लगा दिया अपना आखिरी मूव, बट रोमर इज यहाँ पे भी टिक गया।
रोमर इज हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ। ये देखिए, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि ये मैच स्पीयर के लिए? और फिर उसके बाद काउंटर किया सैमी ज़ेन और एक हलुआ किक आया, एक हलुआ किक, ड्रेवेस्टिंग हलुआ किक आया। इसके बाद भी रोमर इज ने सर्वाइव कर लिया। ये मैच किस लिए हो रहा है? ये इन लोग के बीच में रिवेंज कैसे आ गया? फिर ये मैच बहुत ही खतरनाक होते हुए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप एक लाइन ऑन द लाइन है, और ऑन द लाइन होते हुए सैमी ज़ेन नहीं चाहते कि ये लाए। फिर वापस से सैमी ज़ेन रोमर इज को उठाते हुए रोमर इज काउंटर करने की कोशिश, पर ये बॉडी स्लैम देते हुए स्विंगिंग बॉडी स्लैम 1-2 और एक रोमर इज ने किक आउट किया। सैमी ज़ेन पूरे मौके का फायदा उठाना चाहते थे लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। रोमर इज इतने, मतलब कि इतने आसानी से हार नहीं मानने वाले, इसलिए उनको इसलिए नहीं बोला जाता उनको ट्राइबल चीफ, क्योंकि वो सबके मतलब किंग है, हेड ऑफ द टेबल है। रोमर इज ने पंच की बौछार किया, बट सैमी ज़ेन का पावर देखिए, 240 पाउंड को एकदम आराम से उठा के स्विंग करके स्विंगिंग पावर बम देते हुए, बट रोमर इज ने यहाँ पे भी किक आउट कर दिया। अब दोनों के बीच में एकदम पूरा मैच एकदम लास्ट मोमेंट में पीक पे पहुंच चुका है। अब यहाँ से फैसला हो जाएगा। दोनों सैमी ज़ेन भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड दिख रहे हैं यहाँ पे। रोमर इज पे पंचेस के बौछार करते हुए और एक कॉर्नर में देते हुए एक और हलुआ किक लग गया है, लेकिन यहाँ पे स्पीयर आते हुए, ओ माय गॉड, स्पीयर मुझे मैच खत्म। 1-2-3 और ओ माय गॉड, WWE चैंपियनशिप को रिटेन करते हुए रोमर रीज अपने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को इस मैच को सेव करते हुए, ये मैं सैमी ज़ेन को बताते हुए रोमर रीज कि तुम चाहे कितने भी कर लो, बट एक ही है इस, मतलब हेड ऑफ द टेबल एक ही है, ट्राइबल चीफ, जिसको तुम्हें एक्नॉलेज करना पड़ेगा। ये देखे सैमी ज़ेन कैसे गए थे, लेकिन एक स्पीयर आते हुए, एक बहुत ही खतरनाक स्पीयर, सैमी ज़ेन को बिल्कुल भी संभालने का मौका नहीं दिए, और इसके बाद वह कोई भी सैमी ज़ेन के पास मौका ही नहीं बचा समझने का कुछ। तब तक 3 काउंट हो चुका था और रोमर रीज़ ने इस मैच को जीत लिया और अपने आप को भी प्रूव कर दिया कि सैमी ज़ेन के सामने कि वो चाहे कुछ भी कर ले, बट एक ही हेड ऑफ द टेबल है जिसको उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। रोमर रीज़ का फ्रस्ट्रेशन यहाँ पे साफ दिखते हुए, उन्होंने अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया इस टाइम पे, और वो स्टिल WWE वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन है और अपने हेड ऑफ द टेबल की लेगेसी को मेंटेन करते हुए। यही तो उनका करिश्मा है, यही तो उनकी ऑरा है, जो रोमर रीज़ के सामने कोई भी आज तक नहीं दिख पाया, चाहे जॉन सीना हो, ब्रॉक लेसनर हो या कोई भी आ जाए, लेकिन उनका रेन अभी 2 साल से भी ऊपर हो गया है और इसको आज से भी कंटिन्यू करते हो रोमर रीज़। सैमी ज़ेन को बिल्कुल ही मौका नहीं मिला जो क्या कर सके या कि क्या नहीं कर सके, उन्होंने हर एक मूव प्रयास किया पर रोमर रीज़ को हरा नहीं पाए। तो आज एलिमिनेशन चेंबर का मैच बहुत ही घमासान वाला रहा। अगर आपको मैच पसंद आया और ऐसे ही आपको मैचेस देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और इसमें आपका फेवरेट मूव कौन सा था हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और आप कौन सा मैच नेक्स्ट देखना चाहते हैं ये भी कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।